वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज जो है सेकंड डे है, क्योंकि फर्स्ट डे मैं करोल बाग गया था और वहां पे शूट किया, तो आज उसका सेकंड डे है। और अभी जो है सुबह के जो है 8 बज रहे हैं। और आज जो है मुझे अपने मैकेनिक के पास जाना है इंडिकेटर फिट करवाने के लिए, प्लस जो है बाइक की सर्विस भी है। बट मैं आपसे माफी चाहूंगा इस चीज के लिए कि मैं आज गोप्रो से शूट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन रहेगी। जो मेरा गोप्रो है उसमें जो 32 GB का मेमोरी कार्ड है वो पूरा भर चुका है करोल बाग वाली व्लॉग से, इसलिए आज मैं अपने मोबाइल से ही शूट करूंगा। तो मैं माफी चाहूंगा कि वीडियो थोड़ी सी क्वालिटी डाउन रहेगी और स्टेबलाइजेशन भी होगा तो थोड़ी वीडियो हिलती हुई दिखाई देगी, तो इस चीज के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले दिखें। और इंस्टाग्राम जो है आपको यहाँ पर जो आइकन ऊपर दिख रहा होगा वहाँ पे भी उसको भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि जो है मेरे इंस्टाग्राम अपडेट भी आपको जो है ही दिखते जाएं। और स्टार्ट करते हैं फिर अपनी वीडियो। मेरे ब्लॉग के एंकरिंग आप ही करोगे जब भी यहाँ पर आऊंगा मैं। और इस बाइक की सर्विस करने वाला व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है सुअर बेटा, वेट ऑन, ये खोल ले, हैंडल खोल ले, है ना, बर्तनी नहीं मतलब काम ढंग से कर ले, हैंडल खोल ले, हटा ले तार, तारा ताम जाम, 2 मिनट लगेंगे। यहाँ पर चल रही है नॉनवेज वाली शायरी। अर्ज किया है ऊंची सी बिल्डिंग के पीछे था छोटा सा झोपड़ा, ऊंची सी बिल्डिंग के पीछे था छोटा सा झोपड़ा और मेरे यार की उसकी मां। एक नंबर काम अमर भाई, एक नंबर काम, जबरदस्त। डिक्की जब जाऊंगा ना लॉन्ग टूर पे तब तो लगाऊंगा, अभी जा ही नहीं रहा दिल्ली में, कहाँ लगा के घूमू उसमें। ठीक, इन्सुलेटर लेना है, पंचर किट लेना, डिक्की तो इसी के लिए लगाई है मेन। कहाँ कह रहे हो भाई साहब, यहाँ 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 ना ना यहाँ लगेगी भाई साहब, मस्त लगेगा, यहीं भी लगाने हार्ले डेविडसन। सारी ख्वाहिशें इसमें पूरी कर रहा हूँ मैं अपनी। दो तीन साल बाद ये रिटायर हो जाएगा फिर दे दूंगा मॉडिफाई होने के लिए, अब जो हायाबुसा बने या जो मर्जी बने। बनवा लो ना, मैं सोच इसको सिंगल सीटेड बॉबर बनाऊंगा, जैसे वो आई ना पेराक जावा की, हाई साहब वो वाली बनाऊंगा इसको।
सुबह तक रहने दो, सुबह को मिल जाती है जेड 17 वहां खड़े भी नींद जा बुराड़ी पे देखा ना खराब होता है नींद जा जेड एक्सटर्नर 17 आज नींद जा वो लेकर खड़ा हुआ वैन के बंद हो गई बंद नहीं हुई थी फिर तुमने ठीक करा तो गाइस ये कुछ इस तरह का लुक दे रहा है लगने के बाद फेयरिंग थंडरबर्ड एक्स का जो इंडिकेटर है फ्रंट और पीछे दिखाता है बिहाइंड में तो ये जो है ये इस तरह से ब्लिंक कर रहा है तो ये है बाकी मैं इसको जो है यहाँ से मैं करवाना चाह रहा था बट ये ऐसे है ये देख सकते हैं आप यहाँ से एक एल पत्ती दे रखी है और यहाँ पर इसको इंडिकेटर को जो है यहाँ पर वो सेट करा बट मैं इसको कुछ दिनों में फिर अपने ढंग से सेट करूंगा फिलहाल ये है इस तरह से तो गाइस होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले दिखे तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे साइनिंग आउट जी बाय